मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के शमशाद नगर में शिवसेना उम्मीदवार दीपाली सैयद ने जनसभा के दौरान विकास के मुद्दे पर हुंकार भरी। कब्रिस्तान, बिजली, पानी और नशे को लेकर निशाना साधा। दीपाली सैयद ने नशे को लेकर कहा कि मुंब्रा में बच्चे नशे की चपेट में हैं, जिसकी वजह से युवा पीढ़ी पर इसका भारी असर पड़ रहा है और नशे में युवा पीढ़ी के आने की वजह से शहर बर्बाद हो रहा है। दीपाली सैयद ने यह भी कहा कि अगर मैं जीत कर आऊंगी तो रावण को खत्म करूंगी। किस तरह से विकास के मुद्दे पर दीपाली सैयद ने निशाना साधा है आपको सुनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा तब लगेगा जब 24 तारीख को यहाँ पे आऊंगी और जीत का झंडा ले रहूंगी और उस रावण को खत्म करूंगी। कि जात पात ये सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और विकास होता है, एजुकेशन होता है, बच्चों की बढ़ोतरी होती है और वही कहीं ना कहीं हम मार खा जाते हैं। आज मुंब्रा में सारे आवाम को पूछूंगी, जहां जहां मैं घूम रही हूँ, जहां जहां मैं देख रही हूँ, तो आपको लगता है यहाँ पे एजुकेशन है, विकास है, हॉस्पिटल है, कब्रिस्तान का क्या हाल है? तो मैं आज यही पे यही स्टेज पे आपको वादा करती हूँ, जिस कब्रिस्तान के बारे में बात किया जाए, जो कब्रिस्तान पहले था उसी जगह पे कब्रिस्तान वापस लेके लाऊंगी। यहाँ महिला ने प्रॉमिस कर दे, जिथे पानी का प्रॉब्लम है तिथे पानी घेऊन येईल, क्या एक महिला से एक महिला का वादा है। प्रत्येकाला सबको बोलती हूँ कि एक चीज जरूर दूंगी। आज गलो गली जब मैं घूम रही हूँ, देवीपाड़ा में गई, ऊपर आदिवासी पाड़ा में गई, अम्बेडकर नगर में गई, महात्मा फुले नगर में गई, तो एक चीज मैंने बहुत गौर दिल से देखा है, सामने से देखा है, और वो है ड्रग्स। सब बच्चों को नशे में डाला गया है, सब बच्चों की बोलते ना प्रगति डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। इस मुंब्रा को नशा मुक्त करना है और उसके लिए मुझे आप सबका साथ का जरूरत है, पूरे मुंब्रा वासियों की साथ की जरूरत है। जिस दिन नशा फ्री हो जाएगा, नशा बाजू में हो जाएगा, तभी देखना मुंब्रा। जिस दिन मेरा डिक्लेरेशन हुआ था, तब मुझे कहा गया था कि कहाँ जा रही है बहना, कहाँ? उस एरिया में, मुंब्रा में, जहाँ पे ड्रग्स का खुले आम धंधा होता है, जहाँ पे गुंडागर्दी होती है, वहां जाके खड़ी रहेगी। दीपाली सैयद ने यह भी कहा कि कब्रिस्तान वही दिलाऊंगी जहां कब्रिस्तान होना चाहिए था। इस शिवसेना की जनसभा में एकनाथ शिंदे, दीपाली सैयद, रविंद्र तायड़े जैसे और भी पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।